नमस्कार मित्रों, अक्सर हम लोगों ने शब्द सुना है बेल एवं बॉन्ड, यानी कानून के दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि व्यक्ति ने बेल एंड बॉन्ड प्रस्तुत किया, व्यक्ति को बेल एंड बॉन्ड भरने का कहा गया, न्यायालय में व्यक्ति ने बेल एंड बॉन्ड सबमिट किया। तो ये बेल और बॉन्ड, कई लोगों को लगता है ये दोनों एक ही है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनियम है, लेकिन अंतर है दोनों में। इसी अंतर को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी लोग समझेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेल एंड बॉन्ड, यानी बेल क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है। बेल को जमानत या प्रतिभूति कहते हैं और बॉन्ड के लिए हिंदी में बॉन्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बंध पत्र जिसे हम कहते हैं। तो जमानत एवं बंध पत्र में अंतर अथवा बेल और बॉन्ड में अंतर। तो सबसे पहले इस बिंदु को समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा अपराध को। अपराध कानून द्वारा स्वीकृत मान्यताओं के खिलाफ काम करने को अपराध कहा जाता है। अपराध एक ऐसा अनुचित कृत्य है जिसको लॉ ने करने से मना किया है। यदि लॉ ने मना किया है, मतलब कानून ने कुछ काम करने से मना किया और व्यक्ति कर लेता है और उसके लिए कानून में कोई दंड रखा गया है, तो वह अपराध कहलाता है। तो अपराध में कार्य भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है, और देश के कानून के खिलाफ एक्ट होना जिससे किसी व्यक्ति को क्षति हो, जिसके लिए पनिशमेंट रखा गया, उसे अपराध कहा जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं समाज में जो कानून का दिन प्रतिदिन उल्लंघन करते हैं, और जो व्यक्ति अपराध करते हैं वो व्यक्ति अपराधी कहलाते हैं। इसको सामान्य भाषा में क्राइम और अपराध करने वाले को क्रिमिनल कहा जाता है, लीगल भाषा में इसको ऑफेंस कहा जाता है, ऑफेंस एंड ऑफेंडर। तो अपराध समाज में होना अवश्यंभावी है, ऐसा कोई समाज नहीं जहां पर अपराध नहीं होता है। और अपराध जब व्यक्ति करता है तो कानून में ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी की जाती है, और गिरफ्तारी इसलिए की जाती है ताकि उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ताकि उसका विचारण चल सके, उसके ऊपर जो केस लगाया गया है वह केस चल सके। तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद यदि अपराध सिद्ध हो जाए तो उसे सजा दे दी जाती है। अब ये जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं या जिन्हें सजा हो गई है, इन लोगों से बेल एंड बॉन्ड लिया जाता है। बेल एंड बॉन्ड इन्हीं लोगों से लिया जाता है जिनके ऊपर आरोप लगा है। तो या तो उनको हवालात में भेज दिया जाएगा, जो पुलिस की जो कस्टडी है, हवालात जैसे हम कहेंगे, या जेल में भेज दिया जाएगा, कारागृह में भेज दिया जाएगा। और ये सब होता है मजिस्ट्रेट के आदेश से, मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट भी हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो सकता है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया की बात हुई। अब हम बात करते हैं जमानत की। जमानत जैसे हम बेल कहते हैं, तो जमानत एक न्यायालय का आदेश होता है, मजिस्ट्रेट का आदेश होता है, और उस व्यक्ति को प्रोविजनल रिलीज की जाती है। प्रोविजनल रिलीज मतलब उसे अस्थायी रूप से रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, इस बात को लेकर कि आप आगामी तारीख पर न्यायालय में प्रस्तुत होंगे विचारण के लिए। मतलब अक्यूज जो है वो एक प्रॉमिस करता है कोर्ट के साथ कि मैं न्यायालय की विचारण में कोऑपरेट करूंगा, न्यायालय में जो ट्रायल चलेगी, सुनवाई होगी, सुनवाई में मैं अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति दूंगा, इस बात की जमानत होती है। तो जमानत में डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी, उसमें कुछ कैश अमाउंट या कुछ अन्य तरीके की सिक्योरिटी डिपॉजिट करना जरूरी होती है। अब यदि हम बॉन्ड की बात करें, तो बॉन्ड एक थर्ड व्यक्ति का ऑब्लिगेशन होता है, दूसरे व्यक्ति का ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन यानी दायित्व निभाने का एक प्रॉमिस किया जाता है। तो इसमें एक गुड कंडक्ट ऑन बेल, यानी अपराधी भी ये कहता है कि मैं बाहर रहकर भी अच्छा आचरण करूंगा, गुड कंडक्ट यानी अच्छा आचरण बना के रखूंगा, बाहर जाकर वापस से अपराध नहीं करूंगा, गवाहों को डराऊंगा धमकाऊंगा नहीं, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तो बॉन्ड इस चीज का आश्वासन होता है, एक दायित्व का बोझ होता है, इसे बॉन्ड कहा जाता है। अब बेल और बॉन्ड के बीच में भी हम अंतर देखें, तो बेल टेम्परेरी रिलीज करने का आदेश होता है, यानी व्यक्ति को अस्थायी रूप से छोड़ देना, कस्टडी से छोड़ देना, अभिरक्षा या हिरासत से उसकी मुक्ति कर देना। और बॉन्ड होता है प्रॉमिस टू अपियर बिफोर द कोर्ट, और व्यक्ति कह रहा है कि मैं कोर्ट में समय समय पर अपनी जो उपस्थिति न्यायालय बताएगी, उस न्यायालय की उपस्थिति में मैं उपस्थित रहूंगा, इस प्रकार का उसे बॉन्ड कहा जाता है। ये ऑब्लिगेशन होती है, बेल में कैश डिपॉजिट करने पड़ते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रॉमिस करता है कि इस व्यक्ति को हम पेश करेंगे, और ये उस व्यक्ति का भी प्रॉमिस होता है कि थर्ड व्यक्ति को मैं किसी प्रकार का परेशान नहीं करूंगा। यहाँ पर बेल एंड बॉन्ड कैंसिलेबल भी हो सकता है, रिफंडेबल। बेल जब यदि अपराध में व्यक्ति दोष मुक्त होता है तो बेल का अमाउंट रिफंडेबल हो जाता है, लेकिन जो बॉन्ड भरा जाता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो बॉन्ड इज नॉन रिफंडेबल। तो इट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेल एंड बॉन्ड। तो आज हम सभी लोगों ने बंध पत्र और जमानत के बीच के अंतर को समझा, और इसके बीच का जो कंफ्यूजन था वो काफी हद तक आपका दूर हुआ होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।